कहाँ है अरव? देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर। बेवजह ही परेशान कर रहे हो तुम मुझे। मामा शायद से बैठ के नीचे होगा। अरव कहाँ है नीचे? कोई शायद होगा पर्दे के पीछे। ओ गॉड, सी अरव, नथिंग इज हियर, सी। ये लड़का ना। मम्मा आज मैं आपके पास सोऊंगा। ऑफ कोर्स बेबी, आज आप हमारे पास ही सोओगे। चलो लेट जाओ, गुड बॉय। मम्मा अगर कोई बैड भूत आया तो आप मुझे सेफ करोगी ना? ऑफ कोर्स बेबी। और मम्मा अगर कोई बैड भूत आपको परेशान करने आया ना तब मुझे बताना, मैं हूँ ना आपका सुपर बॉय, तो डिशम डिशम कर दूंगा। ऑफ कोर्स, मेरा आरव तो सबसे बड़ा सुपर हीरो है। अच्छा अब चुपचाप सो जाओ, सुबह स्कूल जल्दी जाना है ना। क्लोज योर आईज, गुड। गॉड, सुबह इतनी जल्दी हो गई। नाश्ते की तैयारी करने के बाद ही आरव को उठाऊंगी। मुझे लगा बैड भूत पापा की तरह आपको भी ले जाएगा। बेटू मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे कोई आपसे दूर नहीं करेगा। प्लीज आप अपने मन से ख्याल बाहर निकाल दो। ओके चलो अब गुड बाय की तरह जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है ना। प्रॉमिस, लेकिन आप कहीं नहीं जाओगी? हाँ बेटू हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, चलो जाकर जल्दी रेडी हो जाओ। ओके। चलो चलो चलो, लेट हो गया, चलो मूव। रश आरव, रश एंड टेक योर बैग। ओके मस्ती नहीं करना। हाँ एक्सक्यूज मी मिसेस शर्मा, क्या मैं आपसे दो मिनट बात कर सकती हूँ? प्लीज चलिए ना। आरव बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। आई डोंट नो आखिर प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू नो लास्ट वीक अपने क्लास में अपने क्लास फेलो को इतने जोर जोर से मारा, बट लकीली द चाइल्ड वाज सेफ, उसे थोड़ी सी भी चोट तक नहीं आई। आई एम सो सॉरी टीचर, बट आरव एक बहुत अच्छा लड़का है।
ट्रस्ट मी, उसने ऐसा कैसे किया मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली 7 महीने पहले आरव ने जब से अपने पापा को खोया है वो तब से बहुत अपसेट रहता है, अपने आप में गुमसा रहता है। बट आई एम श्योर वो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। बट हाँ, एक बात है जो शायद मैंने आपको पहले बताई भी थी कि कुछ दिनों से बड़ी अजीब अजीब सी बातें करता है। मतलब उसके मन में एक बात घर करके बैठ गई है कि कुछ है, कुछ हवा, भूत, प्रेत, समथिंग इज देयर जो मुझे उससे दूर ले जाएगा। यस यस, आई थिंक आपने ये मुझे बताया था, बट ये तो कुछ महीने पहले की बात थी। अब तक देयर इज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। मिसेस शर्मा, व्हाई डोंट यू टेक माई एडवाइस? आप उसे कोई अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों नहीं लेके जा रही हैं? आई थिंक इसे उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज आर स्कूल मैनेजमेंट हैज टू डू समथिंग अगेंस्ट आरव। आई अंडरस्टैंड मिस, आरव इज वेरी गुड बॉय, प्लीज आप कोई एक्शन नहीं लीजिएगा। बट मिसेस शर्मा, ये चोट आपको कैसे लगी? सुबह किचन में काम करते हुए छोटी सी चोट लग गई बस। आई होप ये आरव की वजह से तो नहीं हुआ है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, लेट हो रहा है मुझे। Hey संजू। Hi, good morning. How are you? I'm good. कॉफी ऑर्डर करूं तेरे लिए? Yeah, I need it यार। तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तू रात भर नहीं सोई है। क्या हुआ, आरव ने फिर से परेशान किया क्या? Not actually, but हाँ, वही सारी भूत की बातें यार, वही स्कूल से कंप्लेंट आना, स्कूल में बच्चों से झगड़ा करना। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे डील करूं। देख आरती, सिंगल मदर होके एक बच्चे को पालना बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी तब जब बच्चा ऑलरेडी इतना मूडी हो। मुझे लगता है कि उसे नए वातावरण की, नए लोगों की जरूरत है। तू एक काम क्यों नहीं करती, उसे बोर्डिंग में डाल दे, वहां उसे एक नया वातावरण भी मिल जाएगा और वो डिसिप्लिन में भी आ जाएगा। नहीं आरती, इट्स नॉट पॉसिबल। माना कि वो थोड़ा मूडी है, बट बच्चा है, और बच्चा है तो परेशान तो करेगा ही ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको अपने आप से दूर कर दूं या बोर्डिंग में डाल दूं। और वैसे भी वो इतना छोटा है कि अगर मैंने उसे अभी कहीं और अपने से दूर कर दिया तो वो हमेशा के लिए अपने मन में ये बात लेके बैठ जाएगा कि मैंने उसे इतनी छोटी उम्र में अपने आप से अलग कर दिया। आरव के स्कूल से? हेलो जी, जी बोल रही हूँ। व्हाट, मैं अभी आई, आई बी देयर इन सम टाइम। जी जी आरती, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, देयर सम प्रॉब्लम अगेन, यू प्लीज मैनेज। ओके थैंक्स। मैंने आरव को जानबूझकर बाहर रोका है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी बातें सुने। आज उसने अपने क्लासमेट को फिर से बहुत मारा, और इस बार तो उस बच्चे के सर पे 3 स्टिचेस लगे हैं। आई एम सॉरी मिसेस शर्मा, लेकिन हम अब आपके बेटे को स्कूल में नहीं रख सकते। मैम, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी, पर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके बेटे को 3 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया है। बहुत हो गया आरव, तुम्हारी इन चेतावनियों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्यों मारा तुमने आज रोहित को, बोलो। मम्मा वो बैड बॉय है, वो कह रहा था कि आप मुझे घर पे छोड़ के ऑफिस चली जाती हो, आप गंदी मम्मा हो।
उससे पहले चिढ़ाया था। कम ऑन आरव, किसी के कुछ कहने से मामा बुरी हो जाएगी क्या? तुम इस तरह किसी से मारपीट नहीं कर सकते, आई बात समझ में? और तुम्हें इस बार पनिशमेंट मिलेगी। तुम अब चुप, बिल्कुल चुप। अब से तुम अकेले सोओगे अपने बेडरूम में, मामा के साथ नहीं सोओगे, और फॉर ए मंथ विल नॉट गेट एनी पिज्जा एनी बर्गर, गॉट इट? मामा प्लीज। चलो अब। आरव, क्या हुआ? कोई बात नहीं, उठो चलो। कम आरव, लिसन, तुम बहुत बदमाशी करने लग गए हो। आज नो बदमाशी। तुम जब भी कोई बदमाशी करते हो उसकी वजह से मम्मा को बुरा बुरा सुनना पड़ता है ना, तुम्हें अच्छा लगता है? तो प्लीज आज नो बदमाशी एंड बी अ गुड बॉय, ओके? ओके। चले। हाय आरती। गुड मॉर्निंग आंटी। आरव, कोई भी शरारत मत करना। And no आवाज also. New books कब आई? Wow, एक काम करते हैं। वैसे भी बहुत सारा काम पेंडिंग है ना? हम पहले इन्हें लेबल करते हैं और आज ही लगा देते हैं। हाँ, वैसे भी कल मुझे थोड़ा लेट होगा। वैसे तुम्हें याद तो है ना संजू? कल मेरे घर पे पार्टी है और तुम्हें वहाँ होना है। Of course. मरकट के तट पे फिरता रहता था अदृश्य परिंदा। आरती, आरती, ये अचानक मौसम को क्या हुआ? ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? रोज रात को बेस बनाकर कलियुग की चक्कर है काटे, अपने नए शिकार के लिए घर घर घूमे, घर घर जाके टक 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 अगर करे किवाड़, मरकट खड़ा तेरे द्वार। आरती, ये कोई भी से बच ना पाया, नाम मरकट इसने पाया। ये विंड चाइम टूट कैसे गया? इट्स वेरी अनलकी आरती, इट्स वेरी अनलकी। बहुत कम इसको देख पाते, पर चाल में इसके सब फंस जाते। बख्शे ना ये किसी के प्राण, सब ले जाए सबकी जान। जब भी टक टक करे किवाड़, मरगट खड़ा तेरे द्वार। आरती, मैं बाहर जाकर मेन स्विच चेक करके आती हूँ। Thank you.
मम्मा आपको कब से आवाज लगा रही है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप ठीक हो ना? और आप ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, दिखाओ मुझे। मेरी बुक मत छुओ। ओके मम्मा आपकी बुक नहीं छुएगी और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। और मम्मा को अच्छा लगा कि आपको बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है। वैसे ये बुक पढ़ने के बाद आपने जहां से बुक उठाई है वहीं पर वापस रख देना। ओके ओके। थैंक गॉड आरव का कम से कम ध्यान तो बटा। आरव घर चले? नहीं। अरे शाम हो गई है, घर चलने का वक्त हो गया है। चलो अपना बैग पैक करो और ये किताब जगह पे रखो। चलो। ओके। आरव तुम जल्दी से जाओ और रूम में चेंज कर लो, मैं डिनर रेडी करती हूँ। ओके ओके। चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। ये देखो आरव, मम्मा ने तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाए। आरव खाना किसके लिए निकाल रहे हो? पापा को मिस कर रहे हो? इसे खाते वक्त बात करना पसंद नहीं है। और ये कौन है जिसे खाते वक्त बात करना पसंद नहीं है? इसे आरव बंद करो इस टॉय से खेलना, और ये कुर्सी की टकटक भी बंद करो और चुपचाप अपना खाना खाओ। ये मैंने नहीं कर रहा हूं मम्मा, मरगट कर रहा है। कांच का टुकड़ा? मेरे खाने में कांच कहां से आए? आरव खाना नहीं, इसमें तो कांच नहीं है। आरव मेरी प्लेट में कांच के टुकड़े तुमने डाले ना? नहीं मम्मा, मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया। आपने मरगट को डांटा ना, इसलिए उसने ऐसा किया। स्टॉप इट आरव, बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी। दिन पर दिन तुम्हारी बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ते जाओ। अगर तुमने अपनी बदमाशियां बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगी। आई समझ में? मम्मा मैंने नहीं किया। तुम्हारा शाम का टीवी भी बंद, प्लेग्राउंड भी बंद, एंड नो चॉकलेट्स।
Oh God, please save my child. तुम चाहती क्या? बदला! मैं उसे मारना चाहती हूँ। उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहती हूँ। इस लड़के ने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए हैं। उसने मुझे मारा। इसे मेरा कोई डर नहीं रहा है। आज तो ये पिटेगा। वो एक इनोसेंट बच्ची है। तुम उसकी जिंदगी मत खराब। उससे बदला मैं नहीं लिया, तो मैं जेल को भी नहीं चलूंगी। एक और नई आफत। यार डायरेक्ट पारी ऑफ कर देती हूँ। आपके पास हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज। ओके आ रहा हूँ, बट नो मस्ती। हाँ कम। मम्मा, मरगट आपको हर्ट करने वाला था, इसलिए मैंने धक्का दिया। वो बैड भूत है। मरगट, 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 कौन है ये मरगट और कहाँ है? देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, समझ में आई? Now go to sleep, चलो। Ouch. Sorry मम्मा। It's okay, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन अब सो जाओ, चलो। तुम भी खेलो सबके साथ, जाओ। क्या है इस बैग में? जलता हुआ कैंडल फेंक दिया। What? आरव? आरव ऐसा नहीं कर सकता, ये तुमने किया है? नहीं मम्मा, मैंने नहीं किया, वो उसने। किसने? Come on संजना, तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे बेटे का हाथ जल गया है? Look संजना, सिंगल पेरेंट बनना इतना इजी नहीं है। तुमसे नहीं हो पा रहा है तो इसे किसी हॉस्टल में रखो, बट डू समथिंग। I'm so sorry, आप लोगों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। मैंने कुछ नहीं किया। It's okay, चलो यहाँ से। मैंने नहीं किया। Sit. Now listen to me. What was that? तुम अपनी सारी हदें क्रॉस करते जा रहे हो। मम, कॉल प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मरगट ने किया। फिर से वही झूठ, है ना? पनिशमेंट खाने की आदत हो गई है तुम्हारी, आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो। मम्मा, मैंने बोला ना मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मरगट ने किया, वो एक बैड भूत है। अरे कुछ तो किया है। आरव, आरव,
लो आरव, ये दवाई ले लो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं लेनी, ये बहुत कड़वी होती है। नो बेबी, ये दवाई बिल्कुल कड़वी नहीं है, और आपको जल्दी से अच्छा होना है ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। मेरी एक बुक है, वो मेरी बैग में रखी है, पहले मैं वो पढ़ूंगा। ओके, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ये कौन सी बुक है? मरघट के तट पर फिरता रहता था अदृश्य परिंदा, रोज रात को भेस बनाकर गलियों के चक्कर है काटे, अपने नए शिकार के लिए घर घर घूमे, घर घर झांके। ओ गॉड, कुर्सी की टक टक बंद करो। मैंने नहीं कर रहा मामा, मरघट कर रहा है। मम्मा, मरघट आपको हॉट करने वाला था, इसलिए मैंने धक्का दिया। मम्मा, कॉल प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया। शायद आरव सही कह रहा था, कहीं सच में कोई मरघट। लेकिन ये बुक आरव के पास आई कहां से? ये तो मेरी लाइब्रेरी की सील है। कल सुबह सबसे पहले ये बुक वापस लाइब्रेरी में रखूंगी। अच्छा वो रिट्टा तुम आ गई, मैंने अभी इसे दवाई दे दी है और सो रहा है ये। इसकी बाकी की दवाइयां यहाँ ड्रॉर में रखी हैं, तुम ध्यान से समय पे दे देना। हाँ मैम। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे काल रात्रि अमावस्या के बारे में। ये अमावस्या कई सालों बाद आज फिर से आई है। कहा जाता है कि आज की रात सारी बुरी शक्तियां बहुत बलवान हो जाती है, वो अपने शिकार को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। और ये रेडियो टीवी वाले भी पता नहीं क्या क्या बकवास सुनाते रहते हैं। संजू। हाय आरती। अच्छा लिसन, मैं दोनों के लिए लंच लेके आई हूँ घर से, साथ में खाएंगे। ओके। तो चल मैं आती हूँ। ओके फाइन। हे हे, एक्सक्यूज मी, आप ये बुक बिना रजिस्टर कराए नहीं लेके जा सकती। हो सकता है कि आपसे पहले ये बुक किसी और ने बुक करा रखी हो। देखिए, ये बुक मुझे जल्द से जल्द नष्ट करनी होगी। व्हाट, Are you out of your mind? आरती, ये बुक मैम, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये बुक यहाँ नहीं रह सकती, हमें जल्द से जल्द इसे जलाना होगा। सॉरी मैम, ये लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है, आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर लेके जाइए। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये बुक बहुत खतरनाक है। आप जाते हैं या नहीं, बुक वहां वापस रखिए और जाइए। सुनो, इसे अपने पास रखो, हमें आभास हो रहा है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी।
हेलो, हाँ आरव, आरव, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और ये सब तुमने क्या कर रखा है? और ये पापा के फेस पे कट क्यों मार रखा है बेटा? बेटा ये पैर के निशान किसके हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो कुछ, किसके हैं पैर के निशान? आरव, रीटा दीदी को चोट कैसे लगी? उनको इतने सारे कांच कहां से लगे? आपकी वजह से? मरकट ने किया। ये किताब तो मैं लाइब्रेरी में छोड़ आई थी, ये वापस यहाँ कैसे आई? आरव, आपका वो दोस्त अभी इस कमरे में है? पानी में किताब को छोड़ दूंगी तो सारे पेजेस अपने आप खराब हो जाएंगे।
मुझे बचा लो। तुमने बिल्कुल ठीक ठीक कहा था, वो बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, प्लीज हमें बचा लो। डरो मत संजना, डरो मत, मुझे एहसास हो गया था कि तुम तकलीफ में हो, इसलिए मैं लाइब्रेरी से तुम्हारा पता लेकर यहाँ आई हूँ। तुम्हें मरगट से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले उस किताब को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ के एक बार में खत्म करना होगा। बुरी शक्तियाँ तुम्हें और तुम्हारे बेटे को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करेंगी। अगर तुम बीच में रुक गई तो तुम्हें फिर से किताब पढ़नी पड़ेगी, और अगर एक बार तुमने वो किताब पढ़ ली तो तुम उस ओम के लॉकेट को उस आखिरी बुक के ब्लैंक पन्ने में घुमाना, और तुम्हारे सामने एक पहेली खुल जाएगी। उसमें जुड़ा होगा उस किताब और उस किताब से जुड़े बुरे शक्ति के विनाश के उपाय। तुम उन उपायों को जल्द से जल्द करो संजना, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है संजना, तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है संजना, जल्दी जाओ। तुम्हें उस ओम के लॉकेट में तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे संजना, बस याद रखना उस किताब को तुम एक बार में पूरा पढ़ना है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी संजना, जाओ जाओ संजना, जल्दी जाओ। कहाँ चला गया लॉकेट? मरकट के तट पर फिरता रहता था अदृश्य परिंदा। रोज रात को बेस बनाकर गलियों के चक्कर है काटे, अपने नए शिकार के लिए घर घर घूमे, घर घर जाके ठक 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 जब करे किवाड़, मरकट खड़ा है तेरे द्वार। मरकट का करना है नाश, अग्नि वायु जल आकाश। इन तत्वों से बना संसार, इनमें है जीवन का सार। शक्ति इनमें अपरंपार, डाले मरघट भी हथियार। मम्मा ने मरघट को भगाने का रास्ता खोज लिया है। संसार बना है अग्नि जल वायु और धरा से, जीवन का हर सार इन्हीं में छुपा है। राइट
मतलब मुझे मरघट को मारने के लिए इन चारों एलिमेंट्स को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। मरघट, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी अपने बेटे को। आज सूरज की पहली किरण सबसे पहले इसे पवित्र करेगी। आरव, आरव डर नहीं बेटे, मामा आ रही है। मामा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी आरव। मरघट, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने एक माँ से पंगा लिया है और माँ की ममता के आगे तो भगवान भी झुकता है। मम्मा को आपसे कोई भी दूर नहीं ले जाएगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा।